ओम शांति। ईसाई धर्म में एक काल्पनिक कहो या सत्य कहो कहानी का वर्णन है। तीन झाड़ किसी जंगल में खड़े हैं। तीनों ही झाड़ स्वप्न देखते हैं। पहला झाड़ सोचता है कि मैं मनुष्यों के काम आऊं, इसलिए कितना ना अच्छा हो कि मैं हीरे जवाहरात अमूल्य मणि रखने की एक संदूक बन जाऊं और ट्रेजर चेस्ट। दूसरा झाड़ भी एक स्वप्न देखता है। वो भी सोचता है मैं मनुष्यों के काम आऊं, विश्व कल्याण का कार्य करूं, और वो सोचता है, स्वप्न देखता है, मैं एक बहुत बड़ा जहाज बनूं, मेरा उपयोग एक बहुत बड़े जहाज बनाने में हो। तीसरा झाड़ वो भी सोचता है कि मुझे कोई ना काटे और मैं बहुत ऊंचा आसमान को छूने वाला एक वृक्ष बनूं, और लोग जब मेरे तरफ देखे तो उन्हें भगवान की याद आए। ऐसे तीनों ही झाड़ स्वप्न देखते हैं। एक बार लकड़हारों का एक ग्रुप, एक टोली उस जंगल में प्रवेश करती है। झाड़ बहुत खुश हो जाते हैं। पहला लकड़हारा पहले झाड़ के पास आता है काटने के लिए, तो पहला झाड़ खुश होता है जब ये सुनता है कि पहला लकड़हारा ये सोच रहा है कि इस झाड़ से एक संदूक बनाऊंगा। तो पहला लकड़हारा पहले झाड़ को काटता है और ले जाता है, परंतु वो गरीब होता है और उस झाड़ का संदूक न बनाकर एक पेटी जैसा बना देता है और उसको अस्तबल जो होता है वहां रख देता है, जो मवेशी है, जो भेड़ क्रिया है, उनको चारा देने का एक चरनी चारा जिसमें वो पशु पक्षी खाते हैं, ऐसा एक बॉक्स बना के रख देता है। तो वो झाड़ बहुत दुखी होता है। उसने क्या स्वप्न देखे थे? उसने सोचा था कि मेरे अंदर हीरे जवाहरात मोती रखे जाएंगे, ऐसा ट्रेजर चेस्ट मैं बनूंगा, परंतु जो होता है वो कुछ और दुखी हो जाता है। दूसरा लकड़हारा दूसरे झाड़ के पास पहुंचता है जिसने ये स्वप्न देखे थे कि मैं बहुत बड़ा जहाज बन जाऊं। दूसरा झाड़ जब ये सुनता है दूसरे लकड़हारे के विचार कि वो इससे एक जहाज बनाएगा, तो बहुत खुश होता है। दूसरा लकड़हारा दूसरे झाड़ को तोड़ता है, ले जाता है, परंतु वो गरीब होता है, जहाज नहीं बना पाता, एक नाव बना देता है और एक छोटी सी झील में रख देता है। पहले दूसरे झाड़ ने सोचा था मैं बहुत बड़ा जहाज बन जाऊं, शिप, जिसमें हजारों लोग यात्रा करें और वो जहाज समंदर में जाए, परंतु दुखी हो जाता है और भूल जाता है बाद में। धीरे धीरे वर्ष बीत जाते हैं, अपने स्वप्न को भी भूल जाता है, दुर्भाग्य समझता है अपना। तीसरा झाड़ जो बहुत ऊंचा है और सोचता है कि मुझे कोई ना तोड़े,
क्योंकि मेरा स्वप्न है बहुत ऊंचा जाना, इतना ऊंचा जाए कि लोग जब मुझे देखे तो उन्हें भगवान की याद आए, उस आसमान से परे रहने वाले उस परत पर परमात्मा की याद आए। तो तीसरा लकड़हारा तीसरे झाड़ के पास पहुंचता है और उसे काटने लगता है, और जैसे ही काटने लगता है झाड़ को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो तो कटना ही नहीं चाहता था, परंतु वो लकड़हारा भी बहुत गरीब है, झाड़ को काटता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है और एक बंद कमरे में कहीं रख देता है। तीनों ही झाड़, तीनों झाड़ों के तीन स्वप्न, सब कुछ धूल धूसरित हो जाता है, मिट्टी में मिल जाते हैं, दुखी उदास डिसअपॉइंटेड तीनों झाड़। वर्ष वर्ष बीत जाते हैं, कहानी क्रिश्चियन धर्म की है। और एक दिन बेतलहम जेरूसलम के पास उसी अस्तबल में एक शिशु का जन्म होता है, और वो शिशु साधारण शिशु नहीं, उसकी मां मदर मेरी के पास फरिश्ता आता है और कहता है कि ईश्वर का पुत्र तुम्हारी कोख से जन्म लेगा। और उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं, और वहां का जो राजा है हिरोड, उसने आदेश दे रखा है कि 2 साल के अंदर जो भी बच्चे हैं सबको नष्ट कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि जो आने वाला है शास्त्र में लिखा है वो मसीहा होगा। और उस अस्तबल में एक शिशु का जन्म होता है, और उसके पालने के लिए, उसको रखने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो वो वुडन चेस्ट, वो लकड़े का बना हुआ डिब्बा जिसमें वो मवेशी, वो भेड़ चारा खाते थे, उसी क्रेडल में, उसी पालने में उस शिशु को रखा जाता है, जहां घोषणा होती है कि वो किंग ऑफ किंग्स होगा। उस झाड़ ने ये सोचा नहीं था, झाड़ तो दुखी था, सोचता था कि मेरे अंदर सबसे बहुमूल्य वस्तु रखी जाए, पर दुखी था क्योंकि चारा रखा गया, परंतु अब कुछ और हो गया, अब उसको रखा गया जो संसार के कल्याण के लिए आया है, जो अवतार है, जीसस क्राइस्ट का जन्म। दोनों की राशि मिलती है, एक तरफ कृष्ण एक तरफ क्राइस्ट, साकार मुरलियों में आता है। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वो कहां था? कारागार में। जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ तो कहां था? एक अस्तबल में, गरीब। मध्यरात्रि, इधर कंस इधर हिरोड, इधर सारे बच्चे मार दिए जाते, उधर भी सारे बच्चे मार दिए जाते। इधर भविष्यवाणी होती है कि जो आ रहा है मसीहा है, इधर देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, कंस को भविष्यवाणी कहती है। दोनों की राशि मिलती है। तर्कवादियों ने तर्क दिए, इज इट कृष्ण हु इज कमिंग एज क्राइस्ट, क्या क्राइस्ट कृष्ण का ही अवतार है? सोचने वालों ने सोचा है, वो बच्चा बड़ा होता है। गलीली की एक झील, जीसस क्राइस्ट और उसके 12 शिष्य एक नाव में बैठे हुए हैं, छोटी सी नाव है, गलीली की झील है, और जीसस सो गया है, ईसा मसीह सोया है, और नाव चल पड़ी, और अचानक यकायक तूफान आ जाता है, आंधी तूफान,
नाव हिलने लगती है, डुलने लगती है, झील का पानी नाव में प्रवेश करने लगता है। सभी शिष्य घबरा जाते हैं, क्या होगा क्या होगा। देखते हैं तो जीसस सोया हुआ है। ईसा मसीह को उठाते हैं कि जागो, हमारी रक्षा करो, और वो उठता है और कहता है पीस बी स्टिल, शांत, और सारा तूफान रुक जाता है। जीसस अपने शिष्यों से कहता है ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, एक कम ईमान वालों, क्या इतना भी विश्वास नहीं? जिस नाव में मैं हूं वो नाव डूब कैसे सकती है? और वो जो नाव थी वो दूसरा झाड़, उस दूसरे झाड़ ने सोचा था कि मैं शिप बनूं, जहाज बन जाऊं, और आज वो ऐसी नाव बनी है जो जगत का तारनहार जो आया है संसार में वो उसमें सोया हुआ है। तीसरा झाड़ एक बंद कमरे में पड़ा हुआ एक झाड़, एक टुकड़ा, वही ईसा मसीह विश्व को परमात्मा प्रेम का पैगाम देता है। परंतु वहां के पंडित पुरोहित पारसी, वो जो फैरसीज जिसको कहते हैं, उनको पसंद नहीं आता है, षड्यंत्र करते हैं, पकड़ाते हैं, उसे बुरी तरह मारा जाता है और अंततः सूली दी जाती है, और सूली के लिए झाड़ का एक टुकड़ा। ये वही तीसरा झाड़ था, गोलगोथा जेरूसलम में, उस स्थान पर उसे ले जाया जाता है, उसे खुद पकड़ने को कहा जाता है, कोड़ों से मारा जाता है, कांटों का ताज पहनाया जाता है, और उस क्रॉस में, उस सलीब में उससे सूली चढ़ाई जाती है, और वो जो वुडन लॉक होता है वो तीसरा झाड़, जिसने ये सोचा था कि मैं सबसे ऊंचा जाऊं और लोग मुझे देखे तो भगवान की याद आए। तीनों ने स्वप्न देखे थे झाड़ ने, तीनों के स्वप्न पूरे हुए, परंतु उतने पूरे नहीं हुए जितने उन्होंने सोचा था, कई गुना अधिक। परंतु सेवा का संकल्प तीनों का था, परंतु जो सेवा उनको दी गई, जन नियति ने उनके साथ जो कर दिया, या बीच में जो हुआ उसमें वो दुखी थे, दुखी थे कि ये कौन सी जगह है, ये कौन सा डिपार्टमेंट, ये कौन सा सेंटर, ये कौन सा स्थान, यहां कैसी सेवा होगी, हम तो विश्व कल्याण के लिए आए थे और यहां इतने सालों से, इतने समय से वही काम कर रहे हैं। परंतु परमात्मा प्लान कुछ और है। पहले झाड़ ने सोचा नहीं था कि रत्न तो दूर पर ईश्वरीय पुत्र उसमें आएगा, दूसरे झाड़ ने सोचा नहीं था कि उसमें वो सोएगा जो जगत का तारनहार है, तीसरे झाड़ ने ये नहीं सोचा था कि मैं तो कट गया, मुझे तो सबसे ऊंचा होना है, पर सूली वहां चढ़ाई गई। हम जो सोचते हैं और वो जो सोचता है अंतर है। हम अपना कल्याण अपने रीति से करना चाहते हैं, वो हमारा कल्याण कुछ और रीति से करना चाहता है, वो हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, वो हमारा परम कल्याण करना चाहता है, और परम कल्याण के मार्ग में बीच बीच में कुछ कुछ है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है, व्याधि, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। तो सेवा का ये मार्ग है, और हर एक को सेवाएं दी गई है, और लंबे समय से सभी ब्राह्मण आत्माएं सेवाएं कर रही है। परंतु सेवा करते करते कभी कभी ऐसा लगता है ये साधारण सा कार्य है, क्या ये करने यहां आए थे? हमने तो क्या सोचा था कि बड़ी बड़ी सेवाएं करेंगे, विश्व को हिला देने वाली, क्रांति लाने वाली, इसमें तो कहीं क्रांति मालूम नहीं पड़ती। परंतु उसी सेवा में, उसी मौन सेवा में,
परम कल्याण छिपा हुआ है। तो विश्व का ऐसा परम कल्याण करने वाले हम आज सुबह की साकार मुरली कौन है? खुदाई खिदमतकार। तुम बाप द्वारा विश्व को पतित से पावन बनाते हो, सारे दिन भर भू भू करते रहते हो, ऐसे विश्व की सेवा करने वाले तुम खुदाई खिदमतगार हो, तुम ऑलराउंडर हो। दो पावरफुल समान मुरलियों में आए हैं आज की मुरली में। स्वदर्शन चक्रधारी हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, विजयी रत्न हो, सदा शब्द पर अटेंशन, अटल अखंड स्मृति, संगम युग। कौन सा युग है? टाइटल क्या दिया आज? संगम युग को नाम दिया है आज, विघ्न विनाशक युग। कौन सा युग कौन सा युग है आज? अच्छा नाम दिया है इस युग को, विघ्न को विदाई देने का युग। तो सेवाओं का मार्ग है, सेवाओं की गंगा बह रही है, और हमें खुदा की खिदमत करना है। तो आज की क्लास, आज की चर्चा हम करेंगे खुदाई खिदमतगार पर। सन 1930, खान अब्दुल गफर खान, जिन्हें बच्चा खान, बादशाह खान, फ्रंटियर गांधी, सरहद गांधी, सरहदी गांधी कहा जाता है, पठान थे, पख्तून। 1920 की एक सभा में, कांग्रेस की अधिवेशन में, जहां महात्मा गांधी बोल रहे थे, वो आकर बैठे और प्रभावित हुए अहिंसा के सिद्धांतों से, और देखा कि सभा में से एक व्यक्ति उठता है और महात्मा गांधी को गालियां देने लगता है कि तुम कायर हो, और बहुत कुछ कहता है, परंतु महात्मा गांधी कुछ नहीं कहते, चुपचाप मौन। उस अपमान को इतनी बड़ी सभा के सामने सहन कर लेते हैं। तब गफर खान, बच्चा खान, बादशाह खान, ये व्यक्ति, ये नौजवान प्रभावित होता है और अहिंसा को समझने लगता है, अहिंसा क्या है, और आगे चलकर एक संस्था का निर्माण करता है जिसमें सभी सफेद कपड़े पहनते हैं, परंतु बाद में, क्योंकि सफेद कपड़े जल्दी खराब हो जाते थे, तो कपड़ों को रंग बदल दिया लाल, लाल कुर्ती आंदोलन, और उसका आगे चलकर नाम पड़ा खुदाई खिदमतगार। 1930 परमात्मा धरा पर, 36-37 जो भी इर्द गिर्द हो रहा है, सर्वोदया लीडर वो नहीं मैं हूं, वो विनोबा भावे नहीं मैं हूं, खुदाई खिदमतगार वो नहीं तुम हो, वो जो सारे खुदाई खिदमतगार थे लाल कुर्ती आंदोलन वाले, धीरे धीरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई, बहुत सताया गया, विरोध नहीं किया, अहिंसा। उनका अपना एक पहनाव, शुर्ख सुर्ख पोश, रेड शर्ट्स जिनको कहा गया, ऐसे ये सारे खुदाई खिदमतगार की एक टोली बनी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, और जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया अहिंसा से, उन्होंने अपनी शपथ बनाई थी, ओथ प्लेज, अलग अलग जगह अलग अलग लिखी है, हम खुदाई खिदमतगार है, वी आर सर्वेंट्स ऑफ गॉड।
हम उसके सेवक हैं, उसकी बनाई दुनिया के सेवक। फारसी शब्द है खिदमतकार, सेवा करने वाले। और उसमें बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं, हम देश के लिए ये करेंगे, हम देश के लिए वैसा करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम हथियार नहीं उठाएंगे, कितना भी मारा जाए परंतु विरोध नहीं करेंगे। उधर से अंग्रेजों की सैन्य टुकड़ी आ रही है, घोड़ों के नीचे उनको दबाकर कुचल कर जाया जा रहा है, मुंह में रुमाल रखकर चुपचाप ताकि आवाज भी ना निकले। ऐसे वो खुदाई खिदमतकार थे। तो बाबा जब संसार में आते हैं, खुदा जब संसार में आता है तो कहता है वो खुदाई खिदमतकार नहीं है, तुम हो खुदाई खिदमतकार, तुम हो खुदा की खिदमत करने वाले, विश्व की खिदमत करने वाले। तो ऐसे हम सब कौन है? खुदाई खिदमतकार, सेवाधारी। जैसे उन लोगों ने प्रतिज्ञाएं की थी, बहुत बड़ी लिस्ट है, आप पढ़ सकते हैं उस लिस्ट को, वैसे एक एक ब्राह्मण आत्मा खुदाई खिदमतकार है और उसे भी कुछ ऐसी बातों को करना पड़ेगा, कुछ प्रतिज्ञाएं, ओथ्स, प्लेट्स, थिंग्स। तो एक सेवाधारी को सेवा में ऐसी 16 बातें करनी है, ऐसी 16 प्रकार की प्रतिज्ञा है। वो सब बातें हमने सुन रखी है, सेवा में नम्रचित, सेवा में निमित्त भाव, सेवा में निर्मल वाणी, वो सब हमें पता है, सेवा में अथक होकर सेवा करना, वो बहुत सारी बातें हमें पता है। हम कुछ और बातों की चर्चा करेंगे कि एक सच्चा सेवाधारी, एक ब्राह्मण आत्मा, एक खुदाई खिदमतकार जो खुदा की खिदमत में अपना जीवन समर्पण कर दे, उसे क्या क्या करना है, उसे किस तरह की सेवा करनी है, और उसे जिस सेवा का निमित्त बनाया गया है उसमें उसका कौन सा भाव हो। जैसे वो तीन झाड़, जैसे ही उन्होंने स्वप्न देखे, बहुत ऊंचे ऊंचे, परंतु स्वप्न सारे धूल में मिल गए बीच में, परंतु वो प्रिपरेशन थी, एक तैयारी थी उन्हीं के सपनों को साकार करने की। उन्हें कोई अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, वो तो उदास हो गए थे, परंतु इतने श्रेष्ठ कार्य में उनका जीवन लग जाएगा कोई भी ख्याल नहीं था। उसी तरह जब भगवान ने हमें किसी सेवा के निमित्त बनाया है, कोई सेवा सौंपी है, तो जरूर उसके मन में बहुत बड़ी प्लानिंग है हमारे लिए, इसलिए वो सेवा उसने हमें दी है। हमें केवल वेट करना है और सेवा करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। उतावले नहीं होना है कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है। जैसे दिखाया है, एक छोटी सी बच्ची सुनती है स्वर्ग में भगवान आम बांट रहे हैं, तो वो भाग भाग कर स्वर्ग पहुंचती है, पर देखती है तो उदास हो जाती है क्योंकि लाइन, कतार बहुत लंबी है, कब नंबर आएगा पता नहीं, तो फिर भी वो लाइन में लग जाती है, उस क्यू में देखती रहती है कब आएगा कब आएगा। और उधर से लोग आ रहे आम लेकर और बड़े खुश है, जो जो भगवान से आम लेकर आ रहा है, देख रही है इसका इतना आम है, इसका उतना आम है, इसका इतना अच्छा है, इतना उसका ऐसा है। और जब उसका नंबर आता है, एक्साइटेड हो जाती है कि मुझे भी आम मिलेगा, अब वो भी भगवान से मिलेगा। और जैसे ही हाथ सामने करते भगवान एक आम रखते हैं, तो आम इतना बड़ा होता है, उसका हाथ इतना छोटा होता है कि आम नीचे गिर जाता है और गंदगी में, गंदा पानी होता है कहीं, वहां गिर जाता है, आम खराब हो जाता है। नंबर तो गया, दूसरे आ गए, वो बाहर निकलती है, तो वहां जो असिस्टेंट्स होते हैं भगवान के, मिनिस्टर्स,
तो वो कहती अब क्या करूं, तो वो कहते तुम्हें एक चांस और दिया जाए, जाओ तुम जाकर फिर से लाइन में लग जाओ। तो वो कहती फिर से लाइन में, उदास हो जाती और इस बार तो लाइन और बढ़ गई है, इतनी बड़ी लाइन, पीछे जाके खड़ी हो जाती है, देखती रहती है कि मेरा ही कैसा दुर्भाग्य है, सब देखो कितना अच्छा आम लेके आ रहे, कितने खुश है जो जो आ रहे हैं वहां से, और मैं एकदम पीछे। तो उसका धीरे धीरे नंबर आता है और हाथ खड़े आगे करती है, तो भगवान उससे कहता है रुको, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, पिछली बार तुम आई थी तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि तुमको जैसे आम दिया, आम देने के बाद मुझे पता चला ये आम तो सड़ा हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हारा आम गिरा दिया, और मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा आम तुम्हें देना चाहिए, परंतु आम अभी खेत में पक रहा था इसलिए लाइन भी बड़ी लंबी थी, और तुम्हारे आते आते अब यह आम पका है, दिस इज द बेस्ट मैंगो जो मैंने चुन के रखा है तुम्हारे लिए, अब ये लो। तो हमारा आम भी अभी भगवान के बगीचे में पक रहा है, इसलिए थोड़ा धीरज, उतावले नहीं हो जाना, एक्साइटेड नहीं हो जाना है कि क्यों कुछ नहीं हो रहा, इतनी सेवाएं कर रहे फिर भी कुछ क्यों नहीं होता है, इतना पुरुषार्थ कर रहे फिर भी कुछ कुछ नहीं होता है, होगा धीरे धीरे होगा। तो खुदाई खिदमतकार का पहली चीज, या खुदाई खिदमतकार को यदि सफलता चाहिए तो एक पहली चीज उसे धारण करनी पड़ेगी, वो है स्टार्ट नाउ। फर्स्ट पॉइंट है स्टार्ट नाउ, ये सोचो कि अब तक जो सेवाएं की है कुछ भी नहीं की है, अब मैं सेवा चालू करता हूं, करती हूं। अपने मन में यह संकल्प लाना है, सेवाओं की शुरुआत अभी करनी है, अब तक ये जो विस्तार करके रखा है ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, ज्ञान में बहुत कुछ करना बाकी है, योग में बहुत कुछ करना बाकी है, स्व सेवा में बहुत कुछ करना बाकी है, विश्व सेवा में, यज्ञ सेवा में, आज तक हमने जो कुछ किया है, जो कुछ योगदान दिया है, सहयोग दिया है, वो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। नहीं तो आत्माएं सेवा करते 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 ये सोचने लगती है कि हमने तो बहुत सेवाएं की, इतनों का कोर्स किया और इतने सेंटर खोले और इतने प्रोग्राम किए और इतनों को समझाया ज्ञान और इतने अपने डिपार्टमेंट की सेवा की। खुदाई खिदमतकार को पहली चीज जो मन में लानी है वो है स्टार्ट नाउ, मुझे अभी अपनी सेवाओं की शुरुआत करनी है। क्या किया है हमने? कुछ भी नहीं। जो सेवाएं हो रही है अपने आप हो रही है, परंतु मुझे अभी कुछ और करना है जो अब तक नहीं किया, और बहुत कुछ करना है, सेवाएं बहुत रही हुई है। किसी बड़े मेट्रो शहर में आज भी किसी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाओ तो लोग कैसे भाग रहे हैं, भीड़ कैसी रेंग रही है, जन समुदाय कैसा बह रहा है, और किसी को पूछो तो किसी के पास टाइम नहीं है, और लोगों ने सुना भी नहीं है अब तक, सुना है परंतु कुछ पता भी नहीं है इस संस्था के विषय में, ऐसे भी एक दो मिल ही जाएंगे, और हम सोच रहे हैं कि मीडिया का इतना विस्तार हो गया सबको खबर मिल गई, परंतु नहीं, अभी तो बहुत सी आत्माएं हैं जिन्हें कुछ भी पता नहीं। तो खुदाई खिदमतकार को हमेशा ये संकल्प रखना है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट नाउ, आई एम स्टार्टिंग नाउ, स्टार्ट नाउ, अभी चालू करना है, अब तक कुछ भी नहीं किया है। ये पहला सूत्र खुदाई खिदमतकार का। दूसरा सूत्र, अपडेट योर स्किल्स, अपना जो हुनर है, अपनी जो स्किल्स है, जो क्षमता है, जो कला है, जो कौशल है, जो गुर है, उस कला को, उस कौशल को, उस स्किल को, उस आर्ट को, उस फन को निखारना है।
तराशना है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारी जो स्किल्स है और जो हम सेवाओं में लगा रहे हैं, अभी बहुत सारी स्किल्स सीखनी बाकी है सेवाओं के लिए। केवल एक ही पकड़ लिया ऐसे नहीं। साकार मूल्य में आज बाबा कह रहे तुम ऑलराउंडर हो। ऑलराउंडर अर्थात उसे सब कुछ आना चाहिए, ये सेवा वो सेवा वो सेवा वो सेवा, स्थूल सूक्ष्म से लेके सब कुछ, विशेष रूप से सेंटर ऊपर, एक एक सेवाधारी को, एक एक बहन को, एक एक भाई को ऑलराउंडर होना होता है। एक ही व्यक्ति 5-6 प्रकार की सेवाएं करे। अगर एक ना आए तो ऐसा नहीं कि वो भाई आज नहीं है तो ऑडियो में कोई नहीं बैठेगा, वो भाई आज नहीं है तो ड्राइविंग में कोई नहीं है, कम्युनिकेशन के लिए कोई नहीं है, मेल चेक करने के लिए कोई नहीं है। मल्टीपल स्किल्स, अपडेट योर स्किल्स। सेवाधारी अर्थात हर तरह की स्किल्स, कंप्यूटर से लेके तो स्टैटिस्टिक्स से लेके तो अकाउंट से लेके तो ड्राइविंग से लेके तो मैनेजमेंट से लेके ऑर्गेनाइजर से लेके ऑर्गेनाइजिंग से लेके मैनेजमेंट की स्किल्स, एंकरिंग की स्किल्स, सारी की सारी स्किल्स अपग्रेड करना। बैठ नहीं जाना है कि हम एक ही डिपार्टमेंट ठीक से देख रहे हैं। अपने अंदर कला कौशल निखारना है, तराशना है, नई नई चीजें सीखना है, नई भाषा सीखना। क्योंकि जब नई भाषा सीखी जाएगी उस भाषा से उन भाषा को जानने वाले लोगों की सेवा होगी। बहुत बड़ा काम है ये। और जितना हो सके नए नए भाषाओं को सीखते रहना, ये आंतरिक पुरुषार्थ है सेवाओं के लिए। नई स्किल्स टाइपिंग से लेकर, मीडिया से लेकर, राइटिंग से लेकर, आर्टिकल राइटिंग से लेकर, चिंतन राइटिंग से लेकर, ब्लॉग्स, एक ब्रह्मा कुमार या एक ब्रह्मा कुमारी अर्थात सर्वगुण संपन्न अभी हो, चिंतन भी हो, बोलना भी हो, कर्म भी हो, सब कुछ, ऑल स्किल्स इन वन, तो खुदाई खिदमतगार का दूसरा सूत्र है अपडेट योर स्किल्स। तीसरा है चेक अनचार्टेड एरियाज, अनटैप्ड एरियाज। हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे स्थान पर ऐसा वो कौन सा स्थान रहा हुआ है जब तक हम नहीं पहुंचे, जहां तक जो अनटैप्ड है अब तक। क्या वो आदिवासियों का इलाका है, कोई हॉस्पिटल है, कोई मेडिकल कॉलेज है, कोई डेंटल कॉलेज है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई आईटी कंपनी है, वो कौन सी एरिया है जहां हमारा शहर है जहां पर हम अब तक नहीं पहुंचे हैं, वो कौन से ऐसे लोग हैं, ऐसे कौन से कर्मी हैं जहां तक हम नहीं पहुंचे। क्या है लेबर्स, श्रमिक वर्ग, वेश्याएं, कुछ भी ढूंढना है, लिस्ट बनानी है, विशेष रूप से जो सेंटरों पर रहते हैं, अपने शहर का मैप हमारे पास हो और उस मैप में कौन कौन सी जगह क्या क्या है, कौन कौन सी बिल्डिंग है, कौन कौन से आईटी सेंटर्स है, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हम अभी तक नहीं गए हैं, पहुंचे नहीं है, और वहां उनकी सेवा का प्लान बनाना है। नवीनता, लिस्ट बनानी है डेज की, लेबर्स डे, डॉक्टर्स डे, हर महीने में कौन कौन से डेज आते हैं, उस डे में उस महकमे के जो लोग हैं उनको सेंटर पर आमंत्रित करना, बुलाना और नए प्रोग्राम करना। सेवाओं में चेक अनटैप्ड एरियाज, ये तीसरा सूत्र है। शांत बैठ नहीं जाना कि हमने बहुत सेवा कर ली और बहुत संदेश दे दिया। कितने लोग अभी तक हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता, कितनी एरियाज, क्षेत्र, डिपार्टमेंट्स, कॉलेजेस, कंपनीज, उन तक पहुंचना है, ये तीसरा। चौथा 100% कमिटमेंट।
जो सेवाएं हमें दी जाए, जो सेवाएं हमें मिले उसमें वचनबद्धता, तन मन धन से समर्पण भाव, उसमें आलस्य नहीं, उसमें अलबेलापन नहीं, जो दिया है कार्य उसको फुल कमिटमेंट से करना, ये खुदाई खिदमतगार के लक्षण है। वो कोई भी काम हो सकता है, छोटे सा छोटा बड़े से बड़ा, वो कोई भी काम हो सकता है, भोग लगाने की सेवा से लेकर हजारों के सामने भाषण करने की सेवा, वो बाथरूम साफ करने की सेवा से लेकर अनाज साफ करना, भोजन बनाना, यज्ञ की कोई भी सेवा, सेंटर की कोई भी सेवा, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, छोटा बड़ा कुछ नहीं है, भाव क्या है उस पर सब डिपेंड है। तो चौथा सूत्र है अपनी कमिटमेंट को बढ़ाना है। मधुबन में जब सेवा करने आते हैं तब भी रोटी बनाने की सेवा, चावल साफ करने की सेवा, भोजन बनाने की सेवा, टोली बनाने की सेवा, टोली डिस्ट्रीब्यूट करने की सेवा, छोटी सी छोटी सेवा हो पर हमारा कमिटमेंट फुल हो, 100% कमिटमेंट, ये सेवा का चौथा सूत्र है। पांचवा सूत्र, एम्ब्रेस चैलेंजेस, चुनौतियों को स्वीकार करना है। ऐसा नहीं ये सेवा हमने कभी की नहीं, हम यहां नहीं करेंगे, ये हमसे, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए तो एक्सपीरियंस देने के लिए अवसर दिया गया है। पांडवों को क्या दिया गया था, आधा राज्य खांडव प्रस्थ था, वो ओबड़ खाबड़ जमीन थी, बंजर भूमि थी, कुछ भी नहीं था वहां पर। जब बंटवारा कर दिया गया था, कौरवों ने इंद्रप्रस्थ ले लिया और पांडवों को कौरवों ने हस्तिनापुर ले लिया और पांडवों को खांडव प्रस्थ दे दिया। और क्या किया उन्होंने, उसको क्या बना दिया, इंद्रप्रस्थ बना दिया। वो जो बंजर कलराठी जमीन थी उसे स्वर्ग बना दिया। तो चाहे कोई भी स्थान हो, सेवा हो, वहां पर चुनौतियां आएगी और नई नई चुनौतियों को रिजेक्ट नहीं करना ये कहकर कि मेरे पास टाइम नहीं, मैंने ये किया नहीं, ना नहीं करना, हां कह देना और फिर आगे बढ़ जाना। पावर आएगी, शक्ति आएगी। दादियों को कुछ पता नहीं था विदेश क्या है, विश्व का नक्शा क्या है, हां कह दिया, पावर आई और आगे बढ़ गए। चुनौतियों को स्वीकार करने से शक्ति आती है और रिजेक्ट करने से जहां है वहीं रहोगे। परंतु चुनौती स्वीकार कर ली और वो काम किया, द रिजल्ट इज ग्रोथ, परिणाम विकास। फिर हम वो नहीं रहेंगे, वो व्यक्तित्व नहीं रहेंगे, वो हमारा बुद्धि नहीं रहेगी, उसको करने के बाद कुछ और बनेंगे, नई बातें पता चलेगी। आज सुबह की मुरली, बड़ी युक्ति से रमजबाजी से ज्ञान को समझाओ, नई बातें पता चलेगी क्योंकि हम उसके थ्रू गुजरे हैं, उस चुनौती के द्वारा, और उसमें बहुत अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा, बहुत तकलीफें सहन करनी पड़ी। बट हमेशा याद रखना एक वाक्य, द रिजल्ट इज ग्रोथ, परिणाम विकास होगा। ये अगला सूत्र है। उसके बाद सोल कॉन्शियसनेस, खुदाई खिदमतगार को यदि सेवाओं में सफलता चाहिए तो आत्माभिमानी बनना होगा, सोल कॉन्शियस विजन की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे हम ये देखने जाएंगे कि ये तो बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, इससे पैसे बहुत मिल सकते हैं, सेवाएं बहुत मिल सकती है, सेवाएं कम हो जाएगी। केवल आत्माएं देखना, ऐसा नहीं ये वीआईपी है तो इसकी ज्यादा सेवा और ये कम वीआईपी है तो इसको हम नहीं देखेंगे, ये हमारे लेवल के थोड़ा नीचे का है। सब आत्माएं हैं और सबका कल्याण करना है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। खुदाई खिदमतगार अर्थात आत्माभिमानी और आत्मिक दृष्टि। अगला है सकाश, जिनकी सेवा हम करने वाले हैं, करने वाले हैं दिन में, उनको अमृत वेला सकाश जरूर देनी है।
शाम को कोई भाई या बहन कोर्स करने आने वाले हैं, अमृत वेला आधा कोर्स उनका ऊपर होना चाहिए सूक्ष्म वतन में। वहीं पर उनको आज परमात्मा परिचय हम शाम को देने वाले हैं, पहले अमृत वेला सूक्ष्म वतन में उनको परमात्मा परिचय दो, उनकी बाबा से ऊपरी मुलाकात और दोस्ती करा दो, फिर नीचे थोड़ा आसान हो जाएगा उनको। ऊपर ही उनको बता दो कि तुम कौन हो आत्मा। 10 लोग आने वाले, बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, सेंटर से मधुबन लोग आने वाले हैं, उनको वहीं से इमर्ज करके सकाश, बिना सकाश की सेवा के बेहद की सेवा नहीं हो सकती। यहां बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में नए लोग आ रहे हैं, उनको हम वहां जाए या न जाए पर हम पर अमृत वेला फरिश्ता रूप में जाए, और वो विंग्स में जो भी लोग आए या आने वाले हैं उन सबको सकाश, उन सब से बात करनी है कि तुम कहां आए हो, किससे मिलने आए हो, ये किसका घर है, जागरण करना है। और ये सबसे बड़ी सेवा है, बोल की सेवा छोटी है, वाइब्रेशंस की सेवा कई गुना अधिक है। भट्टिया करने यहां पर सब लोग आते हैं, जो यहां रहने वाले हैं उन्हें उनको भी सकाश देनी है, और जो कहीं पर भी है उन्हें अपने सेवा केंद्रों के लिए सकाश, ऑफिस को सकाश, ट्रैफिक में फंस गए हैं, बीच में ही है, आसपास जितने लोग हैं उन्हें प्यूरिटी के किरने देना, ट्रैवल कर रहे हैं यहां से आबू रोड नीचे तक सकाश, यहां तक बाबा ने कहा है रात में यदि नींद खुल जाए तो क्या करो, सकाश दो और फिर सो जाओ, सकाश। ये हो गए 7। अगला है इंक्रीज जनरल नॉलेज। बुद्धू बन के बैठने जाना है कि मुझे तो पता ही नहीं ये कहां है वो कहां है, सामान्य ज्ञान जो है उसको बढ़ाना है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए अपडेट होना पड़ेगा, उसके लिए जानना पड़ेगा भारत में क्या चल रहा है, विश्व में क्या चल रहा है। बाबा कहते हैं मुरलियों में अखबार पढ़ने का केवल एक ही पर्पस है, कहां सेवा की जा सकती है वो ढूंढना, एक तो ये, और दूसरा रावण की क्या प्लानिंग चल रही है, बस अखबार के ये दो ही काम है, बाकी तो उसमें सब व्यर्थ है। रावण की प्लानिंग क्या चल रही है और हम कहां कहां सेवा कर सकते हैं, कहां क्या हो रहा है, नई बातें पता चलेगी, जनरल नॉलेज बढ़ेगा, सामान्य ज्ञान बढ़ेगा, खुदाई खिदमत ज्ञान अर्थात थोड़ा सा कॉमन सेंस ज्यादा हो, जनरल नॉलेज हो, हमें पता ही नहीं ये क्या हो रहा है, हमें तो संसार से वैराग है, बहुत अच्छी बात है वैराग है, परंतु दुनिया में क्या चल रहा है उसकी खबर चाहिए, क्योंकि हमें इन्हीं आत्माओं की सेवा करनी है। हो सकता है कोई नई सत्संग, कोई मंडली हमारे ही गांव में शहर में आई है और हम उन्हें कुछ संदेश दे दे, वहां तक पहुंच जाए, कुछ ऐसे लोग शहर में आए हैं हमें वहां जाना पड़ेगा टोली लेकर, संदेश लेकर, चौकन्ना चौकस रहना है, सतर्क इर्द गिर्द क्या हो रहा है, जहां सेंटर है जहां हम रहते हैं उस पूरे एरिया में क्या क्या हो रहा है, और हम कैसे बाबा का संदेश एक एक को दे। तो खुदाई खिदमतगार अर्थात इंक्रीज जनरल नॉलेज। नेक्स्ट 9th, नोट डाउन द एम, गोल, लक्ष्य क्या है, हम जो सेवाएं कर रहे हैं उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, एक लक्ष्य बनाना है, एक मास के अंदर ये जो एरिया इसको कवर करना है, 2 मास के अंदर यहां एक सेवा केंद्र होना चाहिए, 2 मास के अंदर हमारे डिपार्टमेंट में ये एक नवीनता आनी चाहिए, 1 मास के अंदर ये चीज सेवा की, आज हम केवल सेवा की चर्चा कर रहे हैं, तो 1 मास के अंदर कौन सी नवीनता सेवा में आनी चाहिए, चाहे डिपार्टमेंट हो, चाहे मधुबन हो, सेंटर हो, घर हो, ऑफिस हो, कोई भी जगह हो, पर वहां गोल सेट करना है, लक्ष्य चाहिए, बिना लक्ष्य के ऐसे ही नहीं सेवा करनी है, 1 हफ्ते का लक्ष्य, 1 महीने का, जैसे यहां पर लक्ष्य होता है मधुबन में, वैसे ही
हमारा ज्ञान में लक्ष्य, योग में लक्ष्य, वैसा सेवा में भी एक लक्ष्य हो। इतने मास में इतने लोगों को हमको बाबा का बच्चा बनाना है, फिर उसके बाद में प्लानिंग चलेगी क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अगला है सेट टाइम टेबल। टाइम टेबल को सेट करना, समय सारणी। एक टाइम टेबल हो, मधुबन में देखा ना, यह है भट्टियों की लिस्ट पांडव भवन की, यह है भट्टियों की लिस्ट ज्ञान सरोवर की, यह है प्रोग्राम की लिस्ट ज्ञान सरोवर, जहां पर भी विंग्स के प्रोग्राम्स, पूरी एक मास्टर टाइम टेबल होता है। वैसे सेवाओं का एक मास्टर टाइम टेबल हो, सेवा केंद्रों में यह ज्यादा जरूरी है, यहां पर भी जरूरी है, जीवन में भी, व्यक्तिगत पुरुषार्थ में भी जरूरी है एक टाइम टेबल। उसके बाद है एंजॉय, अपनी सेवा एंजॉय करनी है, दुखी होकर नहीं करना है, मरमर कर नहीं करना है, कैसे करना है, खुशी खुशी। विदेश का व्यक्ति आता है, पहले पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति से पूछता है तुम क्या कर रहे हो, वो कहता है मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, दिखता नहीं तुमको, सबने सुना है, क्रोधित हो जाता है, इतना काम करना पड़ता है, इतनी धूप और मिलता कुछ भी नहीं, पत्थर तोड़ते बैठो बस। वो विदेशी यात्री दूसरे कार्यकार के पास जाता है, वो कहता है मैं आजीविका कमा रहा हूं, वो भी दुखी है। तीसरे के पास जाता है, वो खुशी खुशी से नाच रहा है, झूम रहा है, काम एक ही तीनों का, तुम क्या कर रहे हो, वो कहता है मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, एक नजर अपनी सेवाओं पर देंगे कि मैं कौन सी सेवा कर रहा हूं, मैं किस टाइप का खुदाई खिदमतगार हूं। तो खुदाई खिदमतगार अर्थात सेवाओं को एंजॉय करे, सेवाओं का लुफ्त उठाए। 12th रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुदाई खिदमतगार अर्थात संपूर्ण जवाबदार, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबिलिटी, केयरलेस नहीं, जो भी काम दिया है फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना। अगर नहीं कर सकते तो पहले ही मना कर दो, फिर ऐसा नहीं हां कर दिया और फिर किया ही नहीं, इससे अच्छा होता किसी और को दिया होता, क्योंकि तुमने किया ही नहीं। हमारा एटीट्यूड सेवाओं के प्रति, चाहे सेंटर मधुबन या कोई भी, अगर हम नहीं कर सकते किसी भी कारण से, सीधा ना कर दो, फिर हां कर देना और फिर ना करना, और फिर सेवाओं में नुकसान या जो भी कहो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। खुदाई खिदमतगार अर्थात छोटे से छोटे काम को फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना। नेक्स्ट विजुअलाइजेशन, खुदाई खिदमतगार अर्थात आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन को यूज करने वाला, जो भी सेवा करनी है या होने वाली है, मन में उन्हें देख ले पहले कि ये वो लोग है, ये सेवा है। एक ब्लूप्रिंट क्रिएट किया जाए, जितने आज तक खिलाड़ी हुए हैं, जिन्होंने अपने अपने स्पोर्ट्स में या क्षेत्र में बहुत आगे गए हैं, उन्होंने स्वप्न देखा, देखा एक व्यक्ति जो भाग रहा है, उसने स्वप्न देखा कि मैं टॉप मोस्ट रनर हूं, रोज देखा, एक विजुअलाइज किया, एक मानस चित्र बनाया, और धीरे धीरे रंग भरे, कलराइजेशन, पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन, और वो चित्र धीरे धीरे साकार हो गया। उसी तरह सेवाएं होने वाली है, कोई शाम को प्रोग्राम है, यहां कुछ लोग आने वाले हैं, हम एक विजुअलाइजेशन करें अमृत वेला ही कि ओम शांति भवन में जो भी आज सारे दिन में आत्माएं आएगी, जैसे ही प्रवेश करेगी परमात्मा प्रेम का तीर लग जाएगा, जैसे ही आत्मा वो जो टोल नाका है, नई गाड़ी आएगी, उनको कुछ कुछ होने लगेगा, जो यहां आने वाले नहीं थे अपने आप खींच कर यहां आ जाएंगे। विजुअलाइज, नए नए क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करना है कि ऐसा हो रहा है, हम चाहते हमारे लौकिक वाले ज्ञान में आ जाए, उनको देखना डायमंड हॉल में बाबा से मिल रहे हैं, उनको देखना मधुबन में बाबा की कुटिया में बाबा को खत लिख रहे, अभी अभी जिन्होंने विरोध किया, गालियां दी थोड़ी बहुत,
और बाबा के प्यार में आंसू बहाते हुए खत लिख रहे हैं डैम बाबा की कुटिया में बैठकर, और रोज देखना, एक दिन तो पहुंच ही जाएंगे वहां। आज विरोध कर रहे, कल आंसू बहाएंगे, पश्चाताप भी करेंगे। तो मन की आंखों से देखना होगा, जो देखोगे वो होगा, जो सोचोगे वो होगा। आर्ट ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। उसके बाद है इन्वॉल्व ऑल। सेवा का सूत्र है इन्वॉल्व ऑल, सबको इंक्लूड करना। ऐसा नहीं मैं ही करते रहूं, मैं ही करते रहूं और मेरी ही स्तुति होती रहे, सब उसमें आ जाए, जो भी सेवा हो सब उसमें आ जाए, सबका इन्वॉल्वमेंट हो, सब शामिल हो जाए, सब शुमार हो उस सेवा में, सबको लगे ये मेरा कार्य है, परमात्मा कार्य है। ऐसी जो सेवाएं होगी उसमें सबको खुशी होगी, नहीं तो कुछ कुछ आत्माएं साक्षी होकर बैठे रहेंगे, ये हमारा काम नहीं है, उनका है, हमें तो बोला ही नहीं गया, हमें बुलाया ही नहीं। सबको इंक्लूड करना सेवा में, यदि हम निमित्त है सेवा के। तो अगला है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी अर्थात रचनात्मकता। जो सेवा हम कर रहे हैं उसमें नवीनता क्या कर सकते हैं उसकी खोज, रचनात्मकता क्या, सृजनात्मकता क्या, क्रिएट क्या कर सकते हैं वो ढूंढना। वही वही उसी ढंग से, वही ट्रेडिशन, वही कस्टम, वही रीति रिवाज चालू है, उसमें कोई नवीनता नहीं। चाहे वो मुरली सुनाना हो, मुरली सुनना हो, चाहे सेवा करना हो, सेवा कराना हो, चाहे वो योग करना हो, कराना हो, चाहे कुछ भी हो, इस ब्राह्मण जीवन की हर चीज में, अमृत वेले से लेकर रात तक, हर दिन नवीनता हो, हर दिन क्रिएटिविटी हो, रचनात्मकता हो। नहीं तो लाइफ, ये ब्राह्मण जीवन बोर्डम हो जाएगा, बोर होने लगेगा, वही चीज वही रोज 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 कर रहे हैं, कुछ भी उसमें नवीनता नहीं दिख रही है, कुछ भी रचनात्मकता नहीं है, क्रिएटिविटी। और लास्ट 16वां प्रिंसिपल, 16वां सूत्र खुदाई खिदमतगार का है इकोनॉमी। ऐसा नहीं कि बहुत खर्चा कर रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं और सेवा कुछ नहीं हो रही है। इकोनॉमी तीन चीजों की, कम से कम समय, ज्यादा से ज्यादा सेवा, कम से कम पैसे, ज्यादा से ज्यादा सेवा, कम से कम शक्ति, ज्यादा से ज्यादा सेवा, कम खर्च वाला नशीन, इकोनॉमी। जो भी सेवाएं हम करें ये लक्ष्य रखें कि कैसे कम से कम इसमें ज्यादा से ज्यादा हो, ये लक्ष्य हो, फिर जो होगा वो दूसरी बात है, उससे सीखना फिर कहां व्यर्थ चला गया। तो ऐसे ये टोटल 16 सूत्र है सक्सेस इन सर्विस। ये शब्द है एस फॉर, सबसे पहला स्टार्ट नाउ, यू फॉर अपडेट स्किल्स, एस यू सी, सी फॉर चेक अनटैप्ड एरिया, अगला सी 100% कमिटमेंट, ई एम्ब्रेस चैलेंजेस, एस सकाश, एस सोल कॉन्शियसनेस, सक्सेस इन, आई एन, आई से आई फॉर इंक्रीज जनरल नॉलेज, एन फॉर नोट डाउन गोल्स, और लास्ट में है शब्द है इंग्लिश का सक्सेस, एस फॉर सेट टाइम टेबल, सर्विस ई सक्सेस, सर्विस एस ई, ई फॉर क्या, एंजॉय द सर्विस, एंजॉयमेंट, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस ई आर, वी फॉर विजुअलाइजेशन, आई फॉर इन्वॉल्व ऑल, सी फॉर क्रिएटिविटी एंड लास्ट ई इकोनॉमी। तो ये शब्द याद रखना, सक्सेस इन सर्विस। इस शब्द में टोटल 16 चीजें हैं और वो सारी 16 चीजें सेवाओं में सफलता के लिए आवश्यक है, और एक खुदाई खिदमतगार जो होगा उसके जीवन में यदि उसे सेवा करनी है और बाबा का पैगाम सब तक पहुंचाना है, तो अपने आप में ये 16 गुण, 16 प्रतिज्ञाएं, 16 सूत्र, 16 बातें
धारण करनी है। आज सुबह की साकार मुरली में कितनी बार अलग अलग शब्द आए हैं, ये बातें तुम्हें धारण करनी है, ये बातें तुम्हें समझनी है, ये बातें तुम्हें पॉइंट्स तुम्हें बुद्धि में नोट करनी है, बुद्धि में बिठानी है। तो वैसे ज्ञान की हर पॉइंट को बुद्धि में बिठाना। ओम शांति।